subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने पार्ट वन के अंदर अनबॉक्सिंग की थी कॉस्मेटिक्स के हवाले से, जो हमने पार्सल खरीदा था कंटेनर के माल का, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो उस बॉक्स को खरीदने का फ़ायदा है आप लोगों के लिए या नहीं, तो उसके अंदर से कितनी प्रोडक्ट्स टोटल निकली थी, तो हमने उसका एक पूरा एक कैलकुलेट किया है कि आप लोग अगर ये बिज़नेस करें या मैं बिज़नेस करूँ तो मैं किस हिसाब से उसको किस लेवल के ऊपर बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आपको आइडिया दूंगा। अब ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों की दुकान किस लेवल पे है या आप लोग किस तरह मेहनत करके उसको किस लेवल के ऊपर बेच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप बॉक्स खरीदेंगे इसका नुकसान कोई भी नहीं है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि मेरे पास 12.5 केजी का एक बॉक्स था, ये मैं आप साथ साथ लिखूँगा, तो आप ये देख लें कि 12.5 केजी का मेरे पास बॉक्स था एक पूरा, जो 1700 भी है और 2000 की रेंज में भी है। तो आप इसको कह लें कि हमने 1750 के अंदर अगर इसको मैंने लिया था पूरे बॉक्स को, तो अब मैं उसको आपको मोबाइल पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि 1700 को मैं जब 12.5 केजी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास उसकी क्या अमाउंट आएगी। ये चीज़ मैंने जो ख़रीदी थी, लेकिन अब किसके पास डिफरेंट वेरियंट्स हैं कि अगर आप लोग किट्स वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं, तो अब मैं 1700 को 12.5 से करता हूँ, तो मैंने 21,250 का एक बॉक्स ख़रीदा। इसके बाद अब जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग की, अब मैंने उसके अंदर देखा कि मुझे जो टोटल प्रोडक्ट्स थी वो मुझे निकली उसके अंदर 345, ये मेरी टोटल प्रोडक्ट्स निकल आए। अब सपोज़ जैसे कि अगर आप कोई बाज़ार या कोई जिसे कहते हैं लंडा बाज़ार या कोई भी एक छोटी मोटी दुकान हो, अगर आप इसको पर पीस, अब जैसे कि आपने देखा तो उसके अंदर किट्स निकली थी जिनकी डॉलर्स में प्राइस देखे तो $35 प्लस थी, और अगर पाकिस्तानी प्राइस देखे तो वो 6000 की किट्स थी। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो बहुत ही सस्ती हो। हाँ, कुछ पेंसिलें थी, कुछ एक दो आधी प्रोडक्ट थी जो हमें देखने को मिली कि वो बिल्कुल वेस्ट थी, तो उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैं 345 में से 343 कर लूँ इसको, तो फिर भी आप अभी आप देख लेंगे कि उसमें कितना प्रॉफिट था। तो अब मैं 345 को अगर मैं पर प्रोडक्ट 100 रुपीज़ के हिसाब से बेचूँ, मैं नहीं कहता कि भाई मैंने मेरी जो किट थी वो इतनी महंगी थी तो मैं उसको भी महंगी बेचूँगा, मेरी कुछ चीज़ें यूनिक थी तो मैं उसको भी महंगा बेचूँगा, तो अगर मैं 100 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के हिसाब से बेचूँ तो मेरा 345,000 पर 34,500 बनते हैं। अब मैं अगर इसको माइनस करूँ 21,250 में से, तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास 250। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बिल्कुल ही छोटे लेवल के ऊपर अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे इससे कितना प्रॉफिट निकला। और आपने देखा ही होगा कि अब सपोज़ इसके अंदर जो 343 प्रोडक्ट्स आपको मैंने बताई हैं, तो उसके अंदर मैंने कुछ एक जैसे पेंसिल्स थी मैंने उनको 2 कर दिया, तो मतलब अगर मेरे पास 12 थी तो मैंने उसको 6 काउंट किया। मेरे पास कुछ चैपस्टिक्स थी जो मेरे पास 24 निकली थी, मैंने उसको भी 2 कर दिया, तो 24 पीसेज जो थे वो मैंने 12 काउंट किए, उस हिसाब से मेरे पास 345 की रेशो आई। तो अब मैंने अगर 100 रुपये की चीज़ बेची तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 13,250 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। अब सपोज़ मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जैसे 10 किट्स थी, तो मैं जो 300 है उनको छोटे लेवल पर ले जाता हूँ, और जो मेरे पास जो 10 किट्स थी मैं उनको एटलीस्ट 300 से लेके 1000 तक अगर बेचता हूँ, तो अगर आप ये बेचते हैं तो आपकी तकरीबन 10,000 रुपये की ये किट्स हो जाएंगी। 3000 से लेके 10,000 तक की आपकी किट्स हो गई। चलें, अगर आप इसको 10,000 तक नहीं करते तो आप इसको 7000 एक फिगर अपने माइंड में कर लें। और जैसे आजकल एक $1 का बहुत ही रुझान चल पड़ा है कि हर चीज़ 150 या 130, तो हम उसके ऊपर एवरेज लगाते हैं कि अगर मैं एक बाकी जो मेरे पास बच गई 335 थिंग्स, अगर मैं उसको 130 के हिसाब से बेचूं तो अब 330 को मैं करता हूं 330 को मैं बेचता हूं चीज़ों को मल्टीप्लाई का 130 के साथ। तो अब मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ कि मेरे पास कितनी आती है। अब मेरे पास ये देखिए 42,900 हो गया। अब जैसे कि बॉक्स की जो प्राइस थी वो 21,022 थी, अब जैसे मैंने पीछे लिखा उसकी प्राइस मेरे पास थी 21,250, तो अब मैं अगर 42,900 में से 21,250 निकाल लूँ तो मेरे पास ये तकरीबन बच जाएंगे, आप कह लें कि मेरे इसमें से डबल प्रॉफिट निकला है। अगर मैं इसमें से निकालूँ 42,900 में से 21,250, तो मेरे पास तकरीबन 21,700। इसका मतलब है कि मैंने 2 बॉक्स की प्राइस कमा ली है। अब उसके अंदर मैं ये भी बहुत ही मिनिमम सा प्रॉफिट कैलकुलेट किया है,
तो ये वीडियो का मकसद ये सिर्फ इतना ही था कि आप लोग ये देख लें कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं, अपने कारोबार में लगा सकते हैं या नहीं। अब ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाना सकते हैं या छोटे लेवल पर लेके कस्टमर को अपनी तरफ मुतमिन करके अपनी तरफ से, तो किस हिसाब से आप कस्टमर से डीलिंग करके उनको चीज़ बेच सकते हैं, तो इसमें लॉस नहीं है। आप सपोज ऐसे 10 किट्स हैं ना, अगर आप इसको 2000 वाला कार्टन लेंगे ना, तो उसके अंदर आपको मे बी पॉसिबल है कि 10 से 20 किट्स निकलें। तो जैसे जैसे आप प्राइस अपने भी बढ़ेंगे, आपकी जो कॉस्मेटिक्स हैं वो मज़ीद इम्पोर्टेंट्स और ज़्यादा अच्छी और बड़ी, जैसे कहते हैं जैसे किट्स थी वो मेरे पास बहुत कम निकली थी और ज़्यादा डिमांड भी ऐसी चीज़ों की है, तो वो आपकी ज़्यादा निकलेंगी। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं बॉक्स, तो मेरा ये नंबर है नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा और वीडियो के अंदर भी चला होगा, आप वहाँ से मुझे कॉल करके आप ये बॉक्स की मालूमात ले सकते हैं और मेरे से ये बॉक्स खरीद सकते हैं और ये आपके घर तक हम पहुँचा देंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।